नमस्कार, इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था वॉट मीटर के बारे में, जो कि हमारा एनालॉग वॉट मीटर टाइप था। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल वॉट मीटर के बारे में, मतलब कि वहाँ पे एनालॉगियस फॉर्म को यूज़ करके हम लोग पावर को मेज़र कर रहे थे। वहीं आज के इस वीडियो में जो हम वॉट मीटर के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर डिजिटल इक्विपमेंट, डिजिटल जितने भी हमारे चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करते हुए हम पावर को मेज़र करने वाले हैं। हालाँकि अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा आज का डिजिटल वॉट मीटर है, ये हमारा पावर को तो मेज़र करता ही करता है, साथ में हमारा वोल्टेज और करंट को भी मेज़र कर रहा होता है। लेकिन एनालॉग वॉल्ट मीटर में आपने क्या देखा था कि वो सिर्फ हमारा पावर को ही मेज़र कर रहा था। तो चलिएगा, इसके बारे में ब्रीफ बात करेंगे। सभी चीज़ें हम लोग वन बाय वन समझेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, अबाउट में समझेंगे, एप्लीकेशन समझेंगे, एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स समझेंगे, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वेल, अभी एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर से ज़रूर उठ रहा होगा कि जब हमारे पास एनालॉग वॉल्ट मीटर था तो हमें डिजिटल वॉल्ट मीटर का उपयोग करने की क्या ज़रूरत पड़ी। हमारा पावर जब हमें नापना था तो हम डिजिटल एनालॉग वॉट मीटर को लाते और पावर को अपने नाप सकते थे। करंट नापना था तो हम अपने करंट के इंस्ट्रूमेंट को लाते और तब नाप लेते। वोल्टेज नापना था तो अपने वोल्टेज के इंस्ट्रूमेंट को लाते तो नाप लेते। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने एक लाइन मेंशन करी हुई है, इट कैन मेज़र वोल्टेज, करंट एंड पावर। तो ये तीनों चीज़ें ही जब हमें एक चीज़ में मेज़र करने का मौका मिल रहा है तो हम क्यों ना डिजिटल वॉट मीटर की तरफ मूव ऑन करें। तो राइट, तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डिजिटल वॉट मीटर हम क्यों यूज़ करें, क्यों हमें इसे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ही इंस्ट्रूमेंट 3-in-1 का काम कर रहा होता है। चलिएगा, अभी हम लोग इसके बारे में अबाउट में थोड़ा समझ लेते हैं। इट हैज़ हाई रेजुलेशन, हाई प्रिसिशन एंड लार्ज स्केल टू मेजरमेंट। मतलब कि इसके पास जो हाई रेजुलेशन होता है, मतलब कि जो हमारा आप कह सकते हैं जो मेज़रमेंट होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी डेप्थ में आपको पॉइंट बाय पॉइंट पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए 5.5 ओम है किसी का रेजिस्टेंस, तो आपको ये एक्यूरेट पता चल जाएगा। तो हाई रेजुलेशन होता है इसका, हाई प्रिसिशन होता है, मतलब कि एक्यूरेसी की तरफ काफ़ी ज़्यादा ये होगा, और लार्ज स्केल मेज़रमेंट इसका होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी को भी ये मेज़र कर सकता है। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, इट कैन मेज़र वोल्टेज, करंट एंड पावर। तो मतलब पावर, करंट एंड वोल्टेज तीनों ही चीज़ों को ये मेज़र कर सकता है। थर्ड पॉइंट में मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज़ नो मोर प्लस माइनस 0.2%। मतलब कि जो इसमें एरर होती है, आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कि हर इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ परसेंटेज में एरर्स होती ही होती हैं। तो इसमें जो एरर होती है वो हमारी प्लस माइनस 0.2% से ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसा पाया गया है, एवरेज ये एरर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो हमारा डिजिटल वॉट मीटर होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हमारा होता है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर के प्रोसेस पे ये वर्क कर रहा होता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? बेसिकली ये आपको 5th सेमेस्टर में PLC स्काडा एंड माइक्रो कंट्रोलर का एक सब्जेक्ट मिलेगा, वहाँ पर आपको डेप्थ में जानना है। लेकिन अभी आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का कंट्रोलर होता है जो कि हमारा कैलकुलेशन वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। बाकी ये मैंने नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि इजी टू इनेबल एम्बेड इन द प्रोजेक्ट। मतलब कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है या फिर जो हमारा टारगेट होता है किसी चीज़ को, किसी क्वांटिटी को नापना, तो उसमें बहुत आसानी से ये मर्ज हो जाता है। अभी दोस्तों मैं बात करूं कि ये दिखने में कैसा होता है, तो आप इसे बता सकते हैं कि आपने अपने घर पे देखा होगा कि जो आपके घर पे मीटर में रीडिंग लेने वाले आते हैं तो उनके पास एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऊपर काफ़ी थोड़ा सा ब्रॉड में एक डिस्प्ले होती है, एंड देन हमारे इसमें एक ऐसे नीचे करके ये निकला होता है, ठीक। और यहाँ पर हमारे कई सारे बटन वगैरह होते हैं और यहाँ पर एक डिस्प्ले सी होती है, तो इस तरीके का आप कह सकते हैं। या फिर आपने अपने बचपन में वीडियो गेम वगैरह खेला होगा तो इस तरीके का कुछ वीडियो गेम जैसा होता है, तो ये हमारा इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बहुत ही आसान है, यहाँ पे बस आपको एक फ्लो डायग्राम आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ से जो है हमें जो पावर मेज़र करनी होती है वो हम इसमें इनपुट कराते हैं, मतलब कि पावर इनपुट करा रहे होंगे इसमें यहाँ पर से, ठीक है। तो यहाँ पर से पावर इनपुट कराएंगे, ये पावर जो होगी ये हमारी दो भागों में सेपरेट हो जाती है। यहाँ पर से हमारे वोल्ट, पहले जो पावर होगी ये हमारी वोल्ट सेंसिंग एलिमेंट में जाएगी, एंड जो सेकंड पावर हमारी डिवाइड हो रही होगी यहां से वो हमारी करंट सेंसिंग एलिमेंट में जाएगी, ठीक है।
ये जो वोल्ट सेंसिंग एलिमेंट है इससे पावर हमारी माइक्रो कंट्रोलर में जाती है। इसी तरीके से जो हमारी सेकंड पावर जो डिवाइड होकर के यहाँ पे आई थी करंट सेंसिंग एलिमेंट में, ये हमारी जो पावर होती है ये हमारी एक्टिवेटर में जाती है। एक्टिवेटर मतलब कि रिले। रिले क्या होता है कि ये आपका आप समझेंगे SGP में, जो कि हमारा 5th सेमेस्टर में, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि रिले जो होता है ये हमारा ऑटोमेशन के उस पर्पज़ पर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई काम को ऑटोमेटिक कराना है तो हम लोग PLC या फिर रिले का यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें देखना है कि ये माइक्रो कंट्रोलर है, जैसे ही हम इसमें कोई पावर इनपुट कराएं तो माइक्रो कंट्रोलर को हमें एक सिग्नल जाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं रिले का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर से आपने अभी तक ये समझा कि ये पावर हम जैसे यहाँ पर इनपुट कराएंगे ये पावर जो होगी ये हमारी वोल्ट सेंसिंग एलिमेंट में जाएगी, और यहाँ से एक डिवाइडेड पावर जो होगी ये हमारी करंट सेंसिंग एलिमेंट में जाएगी। वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट से ये पावर होते हुए माइक्रो कंट्रोलर में जाएगी, और करंट सेंसिंग एलिमेंट से होते हुए ये पावर हमारी एक्टिवेटर में जाएगी, जिसे हम लोग रिले कहते हैं। और ये पावर फिर रिले जो होगा ये रिले हमारा माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट कराएगा, और जितनी पावर होगी माइक्रो कंट्रोलर को सारी की सारी पावर दे देगा। और यहीं से एक और कनेक्शन हम लोग लेते हैं पावर कैपेसिटिव का। ये क्या होता है, हमारी एक तरीके की IC होती है, जिसका पूरा फॉर्मेट होता है कि 7IC+7805 इस IC का नाम होता है। आप इसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो IC होती है ये हमारी 5 वोल्ट पर वर्क कर रही होती है। तो यहाँ से देखिएगा पावर यहाँ पर से दो भागों में बटी, कुछ पावर यहाँ पर चली गई और कुछ पावर यहाँ पर आ गई, और यहाँ से 5 वोल्ट में IC ने कन्वर्ट करते हुए माइक्रो कंट्रोलर को दे दिया, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एक तरीके का हमारा कंट्रोलिंग डिवाइस होता है या फिर कंट्रोलिंग वो होता है जिसमें आपके कैलकुलेशन वगैरह हो रही होती है। तो कैलकुलेशन वगैरह होने के लिए भी तो इसे कुछ पावर चाहिए होगी, तो 5 वोल्ट पावर कौन दे रहा होता है, ये IC दे रही होती है। IC 7805 ये IC हमें दे रही होती है माइक्रो कंट्रोलर को पावर। तो इस तरीके से माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ से पावर मिल जाती है। वोल्टेज का हमारा मिल गया, वोल्टेज का जितना भी मेजरमेंट था वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर को मिल गया, करंट का मेजरिंग एलिमेंट जो था वो मिल गया। अभी माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर में हम लोगों ने जो हमारे इंजीनियर्स थे तो उन्होंने सब चीज़ें फिक्स करके रखी थी। आपको पता है कि P = VI cos φ। अब जैसा भी आपने पावर दिया होगा AC या DC, उसके हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर अपने कैलकुलेशन को करेगा, और कैलकुलेशन करने के बाद ये डिस्प्ले में शो कर देगा। तो डिस्प्ले क्या होती है, ये होती है, और ये हमारे अंदर इसके क्या सब ये सब सिस्टम लगा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है। आई होप कि आपको ये वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि वॉट मीटर के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 एप्लीकेशंस को आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एप्लीकेशन में सोलर पावर मेजरमेंट में इसका यूज़ किया जा सकता है, बैटरी फ्यूल गेज में यूज़ किया जा सकता है। बैटरी फ्यूल गेज का मतलब क्या है कि आप देखते होंगे कि कई बार आपने देखा होगा कि इंडिकेटर होता है कि ये हमारी बैटरी कितनी हमारी चार्ज है ये देखने के लिए, तो यही हो गया बैटरी फ्यूल गेज। इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल पावर इवेल्यूशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक के वो होते हैं हमारे पार्ट्स होते हैं उनके पावर एवलेशन में यूज़ किया जा सकता है। अभी बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जो इतने मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई, आप इनमें से 2 से 3 चीज़ें तो एडवांटेजेस में आप ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई अलग से सेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अब तक इतना तो आइडिया होगा कि वॉट मीटर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। वॉट मीटर का सबसे पहला तो एडवांटेज यही है दोस्तों कि ये हमारा तीनों ही क्वांटिटी को 3 in 1 में कर ले रहा है, मतलब कि वोल्टेज भी एक ही कर ले रहा है, करंट भी मेजर कर पा रहा है और पावर भी कर पा रहा है। तो ये तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। और इसमें एरर जो होती है वो बहुत कम होती है, ±0.2% से ज़्यादा नहीं होती है, तो ये इसका सेकंड एडवांटेज हो जाता है। ये माइक्रो कंट्रोलर के बेस्ड पे काम कर रहा होता है, तो ये इसका थर्ड एडवांटेज हो जाता है। माइक्रो कंट्रोलर के काम पे बेस्ड पे अगर ये काम कर रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो हमारी एरर होगी कैलकुलेशन की एरर वो हमारी कम होगी, जो कि हमारी ह्यूमन एरर से ज़्यादा ही होती है, मतलब कि ह्यूमन एरर से कम होती है माइक्रो कंट्रोलर की कैलकुलेशन, ठीक है ना। और इजी टू एम्बेल्ड होगी, मतलब कि ये बहुत आसानी से किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी भी मेजर क्वांटिटी के साथ में बहुत आसानी से मिल जाता है। अभी ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करूं तो ड्रॉबैक्स में आप ये
शो कर सकते हैं कि ये जो होता है ये पावर बैटरी से ही वर्क कर रहा होता है। अगर आप इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी ये वर्क करेगा। सेकंड, आप इसमें ड्रॉबैक में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये जो होता है ये हीटिंग जहाँ पे होगी ज़्यादा, आप कह सकते हैं जहाँ पे गर्मी वगैरह होगी वहाँ पे ये वर्क नहीं करता है। मतलब कि हीट में इसको नहीं रखना होगा, कम हीट पर ही ये काम करेगा, क्योंकि ज़्यादा हीट पर होगा तो डैमेज होने का खतरा है। साथ ही साथ में आप ये कह सकते हैं इसमें कि ये पहले तो बैटरी पे वर्क करता है, हीट में वर्क करता है, और साथ ही में यहाँ पे अगर कोई भी कंपोनेंट जो होता है इसके अंदर का ये सब चीज़ें, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो ये सभी जो कंपोनेंट होता है माइक्रो कंट्रोलर वगैरह की काफ़ी लंबी सीरीज़ होती है, तो इन सब कुछ चीज़ों को समझना, मतलब कि यहाँ पर तो मैंने आपको फ्लो डायग्राम बता दिया तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर अंदर से हम इसको देखें तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, तो इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इस वजह से इसे हर कोई आसानी से सही नहीं कर सकता अगर ख़राब हो जाता है। तो 3 ड्रॉबैक्स में आप इसे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो डिजिटल वॉट मीटर होता है वो कवर हो जाता है। आप इसे आराम से अपने एग्ज़ाम सेंटर में भी लिख सकते हैं, अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है तो आप इसे इतने मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो आपको समझ में आई है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर फर्दर वीडियोज। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी या फिर वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में EIM की बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर मेंशन करता रहता हूँ। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।